हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C65 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है, आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है, आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर में काफ़ी सारे क्लाउड्स ऐप, स्टोरेज ऐप अवेलेबल होते हैं। तीसरा तरीका ये होता है, आप अपने मोबाइल फोन से फालतू का डेटा हटा देंगे तो आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि फोन से फालतू का डेटा हटा के आप अपने फोन का स्टोरेज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन में ना काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको ना बैकअप सेटिंग मिलेगी। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाती है ना, उन सभी में से बैकअप सेटिंग को आपको बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन करता हूं। फोन की गैलरी में देखिए राइट साइड की टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है। आपका यह पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है। तो बैकअप इसे ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहां पर पहले से बंद कर रखा है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है तो इसके ठीक नीचे यहाँ पे ना ऑफ का बटन होगा, ऑफ पर टैप करके इस बैकअप सेटिंग को आपको बंद कर देना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर बैकअप सेटिंग मिल जाती है, उन सभी में से बैकअप सेटिंग को बंद करना है। ये तो होगी आपके ऐप्स की बैकअप सेटिंग की बात। अब आपको अपने मोबाइल फोन की बैकअप सेटिंग को बंद करना है। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड बैकअप एंड रिस्टोर की जो सेटिंग है ना, अगर ये सेटिंग आपकी चालू रहती है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐप्स की और मोबाइल फोन की बैकअप सेटिंग इसलिए बंद करवा रहा हूं क्योंकि अगर ये बैकअप सेटिंग चालू रहती है तो इससे हमारे फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो जल्दी जल्दी फुल हो जाता है, जिसके तो इससे इसलिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की बैकअप सेटिंग बंद रखनी है, जिससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए आप जब भी अपने मोबाइल फोन में किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो जो ऐप होता है ना, इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल फोन का इंटरनल स्टोरेज कवर करता है। तो इसलिए आपको अपने मोबाइल फोन से फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है, जिससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की ना गैलरी को ओपन करना है। ठीक है, फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखे हैं, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो फोन की गैलरी से परमानेंट डिलीट कर दी, जिससे स्टोरेज बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पर टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, रीसेट आप लिखेंगे, नीचे आपको फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, सारा का सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना, तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। ठीक है।